हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्स इन्फो टेक में। जैसा कि आपको पता है, हर बार की तरह मैं इस बार भी एक नए पॉइंट पे, नए टॉपिक पर बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि उसमें आवेदन कैसे करना है। वो आज का टॉपिक है मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र जब किसी आदमी की या घर में, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट के तरफ से इशू होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करना है। तो उसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस तरह की आपके लिए सभी शिक्षा संबंधित और जॉब संबंधित सारी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। आप मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। सबसे पहले आपको दस्तावेज चाहिए आवेदन पत्र, जो आपको जनसेवा केंद्र पर ही मिल जाएगा। जहाँ से आप आवेदन करेंगे आपको वहाँ से एक आवेदन पत्र मिल जाएगा। और दूसरा, आपको मृतक की फ़ोटो ले आनी है। तीसरा, परिवार रजिस्टर। चौथा, आपका परिवार के बाहर के दो गवाहों के आधार कार्ड। जो गवाह होंगे वो आपके परिवार के नहीं होंगे, बल्कि आप कोई भी गांव के कोई भी दो गवाह बन सकते हैं। और पांचवा है आपका शपथ पत्र। 21 दिन के बाद अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको शपथ पत्र लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको अगर 21 दिन से पहले आप बनाएंगे तो आपको शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें 21 दिन से पहले जो आपका लगेगा, आपका एक और ANM की रिपोर्ट भी लगेगी, जिसमें वो आख्या करेगी कि हाँ, इनका जो मृत्यु है इतनी तारीख को इतने दिन पहले हो चुकी है। तो वो सभी आपने डॉक्यूमेंट ले लेने हैं और इन सभी का जो है आपने एक PDF फाइल बना लेनी है। जैसे कि आवेदन पत्र आप सभी को मैं बता दूं कहां से आपने डाउनलोड करना है। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स 48/32 bit अपने लैपटॉप पर खोल लेना है। अगर आप कोई भी चाहते हैं कि फ़ोन में हम इसको अप्लाई करें, फ़ोन से नहीं होगा, आपके पैसे कटते जाएंगे लेकिन आपका फ़ोन से अप्लाई नहीं हो पाएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप मोजिला फायरफॉक्स 48/32 bit इसको डाउनलोड कीजिए और इसका अपडेट बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ई डिस्ट्रिक्ट। लिखने के बाद आपने ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की साइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। आवेदन पत्र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फिर से इस टाइप का आएगा। आपने फिर से डाउनलोड पर क्लिक करके आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने सेवाओं में जितने भी सर्टिफिकेट आपके होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। हमको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो हम यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये आपका इस टाइप का दिखता है। तो इसमें आपने ग्रामीण शहरी, मृत्यु तिथि कब हुई है, मृतक का नाम डाल देना है, लिंग डाल देना है, पिता पति का नाम डाल देना है, माता का नाम डालना है, आयु कितनी है, धर्म कौन सा है, राष्ट्रीयता क्या है, मृत्यु का कारण क्या हुआ, मृत्यु का स्थान कहाँ है, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र तो अगर है तो नगर पालिका क्षेत्र डालिए, नहीं तो पटवारी चौकी डालिए, क्या मृत्यु चिकित्सीय रूप से प्रमाणित की गई है, अगर आपकी जो है हॉस्पिटल में अगर मृत्यु हुई होगी तो वहाँ का प्रमाण पत्र हाँ या ना ना पे यहाँ पर लिखना है, किस प्रकार की चिकित्सा संबंधित देख रहे, अगर चिकित्सा संबंधित देख रहे की गई है तो यहाँ पर हाँ लिखे वरना नहीं लिख दीजिए, मृत्यु की तिथि से आज तक के दिन यहाँ पर लिख देने हैं, आवेदक का नाम लिख देना है, आवेदक का पता लिख देना है, आवेदक का मोबाइल नंबर। आवेदक और मृतक का नाम दोनों अलग अलग होगा, कोई अगर ये सोच रहा है कि जो मृतक का नाम है वही आवेदक होगा तो वो नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है।
तो आपने आवेदक आपके घर से कोई भी हो सकता है, उसका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसका यहाँ पर पता लिख दीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए और यहाँ पर एक सिग्नेचर उसके करवा दीजिए। इतना करने के बाद आपने इसका एक PDF बना लेनी है, जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए उन सभी का PDF बनाने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको एक यूजर आईडी, अगर आप CSC VLE होंगे तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट यूजर लॉगिन आईडी मिली होगी आपको, तो आपने यहाँ से उपयोगकर्ता की आईडी अपनी डाल लेनी है और अपना पासवर्ड फिल कर लेना है और यहाँ से आप इस कैप्चा को फिल कर लीजिए। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस आने के बाद आपने क्या करना है, आवेदक पंजीकरण पे प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है और नया आवेदन सेलेक्ट करना है। नए आवेदन में आपको यहाँ से विभाग चुनने में पंचायती राज विभाग सेलेक्ट करना है। सेवा का प्रकार आपने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ग्रामीण पर क्लिक करना है। सेवा चुनने में आपने यहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आपका 1 महीने बाद और 1 वर्ष के अंदर वाला आपने क्लिक करना है या 1 महीने के अंदर वाला आपने क्लिक करना है, जो भी आपका होगा आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। और उसके बाद से मृतक की आपने यहाँ पर फोटो डाल देनी है। एक फोटो मैं यहाँ से कोई भी चूज कर लेता हूँ। तो ये फोटो डालने के बाद आपने जो है इसका नाम पहले रिनेम कुछ चेंज कर लीजिएगा, जिससे कि अपलोड होने में कोई दिक्कत ना रहे। आप इसे यहाँ से रिनेम कर लीजिए। रिनेम करने के लिए फोटो पे आप राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद से यहाँ से रिनेम पे सेट कर लीजिए और उसको एक रिनेम दे दीजिए। यहाँ से आपने क्लिक करके इसको अपलोड कर देनी है। जैसे कि JPG फाइल नहीं है तो ये सेट होगा नहीं। आपने यहाँ से एक JPG फाइल सेट करनी है। जैसे कि मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ तो आपने यहाँ से एक फोटो अपलोड करनी है। संलग्नक चुने में आपने यहाँ से आवेदन पत्र स्लैश आवेदन पत्र 2 गवाह के हस्ताक्षर एक बार इसको और एक बार ट्रेजरी चालान पे क्लिक करके अपने दूसरे आपकी PDF रहेगी उसको आपने डाल देना है। और जो आपकी PDF की साइज रहेगी वो रहेगी आपकी 300 KB से नीचे या 280 285 तक आपका चल जाएगा। 290 से ऊपर को आपकी PDF फाइल नहीं सपोर्ट करेगी, तो आप इसको 100 DPI पे स्कैन करके डाल सकते हैं और फोटो आपकी जो रहेगी 100 KB से नीचे पर रहेगी। उसके बाद से आपने आवेदन पत्र भरे पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ये इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट ही रहेगा। मृत्यु की तिथि आपने यहाँ से सेट कर लेनी है। उसके बाद से आपने यहाँ पर लिंग डाल देना है, पुरुष है या महिला है। मृतक का नाम डाल देना है। उसके बाद से आपने पिता का नाम डाल देना है, पिता या पति जो भी है। उसके बाद से आपने माता का नाम डाल देना है। यहाँ से अपनी आयु, उनकी आयु डाल देनी है कितनी थी। उसके बाद से आपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। राष्ट्रीयता जो है भारतीय रहेगी। हिंदू रिलीजन में आपने हिंदू इस्लाम सिख ईसाई जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मृत्यु का कारण आपने यहाँ दे दिया है। मृत्यु के कारण में आप दे सकते हैं, मृत्यु का कारण जो आप लिखेंगे वो प्राकृतिक लिखेंगे। और उसके बाद से आपने यहाँ मृत्यु का स्थान जो है पूर्ण पता डाल देना है। प्राकृतिक डालने के बाद मृत्यु का स्थान आप डाल दीजिए। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जिला आपने सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, ब्लॉक ग्राम पंचायत आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपका पटवारी चौकी सेलेक्ट कर लेनी है अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से मृतक का पूरा पता आप यहाँ पर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद से मृत्यु के समय मृतक का पता यहाँ पर डाल दीजिए, अगर वो सेम है तो सेम ही रहने दीजिए। मृत्यु का स्थान आप सेट कर लीजिए, घर पर हुआ, चिकित्सालय में हुआ,
जो भी आपका हुआ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए नीतू का स्थान। फिर से आप यहाँ पर इसी को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगर यही हुआ है तो, अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल का एड्रेस यहाँ डाल दीजिएगा। मृतक का जो व्यवसाय था वो आपने वो व्यवसाय यहाँ से डाल देना है। अगर ये बोल रहा है कि क्या मृत्यु चिकित्सीय रूप से प्रमाणित है, अगर आपने चिकित्सालय में इसका प्रमाणित अगर आपको करवाना होगा, अगर आप वहीं भर्ती रहे होंगे तो वहीं आपका जो भी मृतक है उनका यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बना रहेगा। तो हाँ या नहीं आपने यहाँ से डाल देना है। अगर चिकित्सा वहीं हॉस्पिटल में हो रखे तो देख रहे कि यहाँ पर हाँ या नहीं डाल देनी है। घर पर है तो नहीं डाल दीजिए, अगर वहाँ थे तो हाँ डाल दीजिए। अगर रोग अगर उनको कुछ था तो आपने यहाँ पर डाल देना है, और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए या नहीं लिख दीजिए। मृत्यु का असली कारण यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी रहा प्राकृतिक है तो प्राकृतिक डालिए। और अगर वो व्यसनी थे या शराब गुटखा वगैरह कुछ भी खाते तो आपने यहाँ पर डाल देना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कितने साल से वर्णन, अगर अगर वो व्यसनी थे तो कितने साल से थे वो आपने यहाँ पर लिखना है। आवेदक का नाम डाल देना है, जो भी आवेदक आपका रहेगा। आवेदक का पता डाल दीजिए, आवेदक का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और आप यहाँ पर सुरक्षित करें आपने सेलेक्ट कर देना है। सुरक्षित करने के बाद इसको फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो लेगा नहीं। जैसा कि मैंने सब भर लिया है, इतना करने के बाद आपने सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। सुरक्षित करे पे क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन सुरक्षित हो गया है, किंतु यह भुगतान के बाद ही मान्य होगा। प्रिंट रसीद पर क्लिक करें। आपने सुरक्षित करने के बाद आपने प्रिंट रसीद पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने फीस जो जितनी भी इसकी होती है वो आपने पे कर देनी है। यहाँ से आप फी पे कर दीजिए। फी पे करने के बाद आपके सामने एक रसीद प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप रसीद प्रिंट करवा लीजिए, और ये आपका जो है 15 दिन के भीतर में आ जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके यूज़फुल रही है तो अपने अभी सभी अन्य साथियों को भी ज़रूर मेरी वीडियो का लिंक भेजिए, और सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, और इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करना, शेयर, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन सभी कुछ दबा देना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।